स्पाइसीज हो, बिल्कुल। चाहे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हो, हाँ किसी भी। अच्छा, तो आप दूध के अलावा भी काफ़ी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इन फ्यूचर कौन से नए जो अमूल के प्रोडक्ट्स हैं वो देखने मिलेंगे? देखिए, हर आदमी मुझे पूछता है कि आप नया क्या कर रहे हो। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं किंजल जी, आने वाले 10, 20, 30, 40, 50 साल अमूल का मेन फोकस दूध ही रहेगा। बिल्कुल, वो तो आपका सिंपल मेन है। प्रोडक्ट है। नहीं, देखिए, आज 135 करोड़ है, 2050 में 170 करोड़ पॉपुलेशन होगी, जी 170 करोड़ पेट है, और दिन बे दिन दूध और दूध के उत्पाद पे हर कस्टमर का खर्चा बढ़ता जा रहा है। जी पहले हमारा 1975 में प्रति व्यक्ति सिर्फ 100 ग्राम दूध के प्रति व्यक्ति जी खपत थी प्रतिदिन, जी आज 410 ग्राम हो गई है, 2050 में बढ़ के 800 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 170 करोड़, तो आप सोचते हो कितना डिमांड है। आपकी जो देखिए, एमओ है वो आपका प्राइस है। प्राइस रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस चाहिए, वो इसलिए है कि आपको मासिस को देना है, उसकी वजह से प्राइस भी जब मासिस कंज्यूम करना शुरू कर दे तो आप एक बहुत ही थिन मार्जिन पे काम कर सकते। जी और रिसर्च के देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन हमको बोलते थे, आपको नया प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन करने के लिए कोई मार्केट रिसर्च की जरूरत नहीं है, कोई एजेंसी रखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी वाइफ, कहते मैं अपनी वाइफ को खिलाऊंगा, आप अपनी वाइफ को खिलाओ, अगर दोनों ये प्रोडक्ट पास कर दे आप मार्केट में लॉन्च कर दो। और अच्छा यही करते हैं। अच्छा अभी भी यही चल रहा है। फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस का यंग स्टाफ, सभी को हम खिला देते थे। आप बताओ क्या है इसमें, क्या प्लस माइनस करना है। आप सर कुछ पशुपालकों को अभी अवार्ड भी देने वाले हैं, कुछ जो महिलाएं हैं उनको आप प्रोत्साहित करने वाले हैं, वो पूरा क्या मिशन है? देखिए, हमारे जो 36 लाख मालिक हैं, जी जो पशुपालक हमारे सभ्य हैं, आपके शेयर होल्डर। हाँ, उसमें से ऑफिशियली तो 38% की 38% ही महिला मेंबर हैं, पर अगर गांव में जाओगे तो 90% ये काम महिलाएं देखती हैं। जी दूध दोना, पशु की, गाय या भैंस की चारा वारा खिलाना, नहलाना, उसका दूध मंडी में लेके जाना और तो उसके बाद सम्मान घर तो जाना। बनता है। हाँ, तो बेसिकली पर अभी हमने देखा कि काफी जिलों में हमारी महिलाएं स्वतंत्र रूप से इसको देख रही हैं। मंडलियां हमारी अभी तकरीबन 18,000 में से तकरीबन 5,000 मंडली 100% महिलाएं चला रही हैं। तो हम इनको मोटिवेट करने के, जो ज्यादा से जो महिला मेंबर ज्यादा से ज्यादा दूध मंडली में देगी उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, अवार्ड देते हैं। देखिए, आपको बनासकांठा में, आनंद में, मेहसाणा में ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी जो साल में 80 से लेके 90 लाख रुपए का दूध मंडली में जी देती हैं। सर, इंटरनेशनल मार्केट को लेके कोई फ्यूचर प्लानिंग किए हैं आपने कॉम्पीट करने के लिए? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा तकरीबन 700 से 800 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं, अमूल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का भी। आप विश्व में सभी जगह चले, जहाँ पे भी भारतीय रहते हैं और कोई इंडियन स्टोर है, वहाँ आपको अमूल बटर या अमूल जी चीज़ मिलेगा, एक्सेप्ट यूरोप, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते वहाँ है। पर फिर भी भारत इस वक्त वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है और फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। यूरोप तो स्टैग्नेटिंग है, अमेरिका तो स्टैग्नेटिंग है। तो हम जो मार्केटिंग वाले हैं, हमको ये देखना है कौन सी मार्केट सबसे ज्यादा है, जी वो भारत है, तो फोकस भारत ही रहेगा। भारत पे ही फोकस किया जाएगा। भारत, इंडिया एंड भारत। भारत मीन ग्रामीण भारत दूध उत्पादन के लिए, और इंडिया मतलब दूध की खपत के लिए। मतलब भारत को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की पहल एक यहाँ पे भी चल रही है।